अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु रब्बे शदाली सादिरी वयसिली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफक्हू कौली। मैं हूँ डॉक्टर गुलजार अहमद राजा काबली फ्रॉम अल कुरान मेडिकल इंफॉर्मेटिव चैनल एंड मोटिवेशन लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। हम ये दावा करते हैं कि हमारा घर बड़ा महफूज है, हमारे बच्चे बड़े महफूज हैं, हम बड़े महफूज हैं। मेरे पास अक्सर जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि बच्चा बाथरूम में गया, बाल्टी में डूब गया, बाथरूम में फोत हो गया। नहर में डूबना, दरिया में डूबना तो कुछ पता लगता है, होता क्या है। आज का टॉपिक असल में है होम सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी। एक इलेक्ट्रिकल स्विच हमारे गलों में बहुत नीचे होते हैं, इस्त्री हम ऑन करके छोड़ देते हैं, किचन के अंदर माचिस लाइटर भी सामने पड़ा होता है, माएँ तो सिर्फ फोन पे लगी होती हैं। ईमानदारी की बात यह है, पैकेज लगा होता है कहीं ना कहीं, और साल डेढ़ साल का बच्चा रिंगता हुआ बाथरूम की तरफ चला जाता है, आधी बाल्टी होती है। ये बच्चों की नेचर है कि हाथ मारते हैं और पानी के अंदर हाथ मार के अपने अपने आप को राजी करते हैं। तो प्लीज आप बाथरूम का दरवाजा बंद करें, आधी बाल्टी ना रखें, या बाल्टी खाली हो या बकेट को फुल करके रखें। किचन के अंदर चाकू छुरियां और जो चीजें हैं इस्तेमाल की बच्चों के पहुंच से दूर रखें, दवाइयां रेफ्रिजरेटर में ना रखें, दवाइयों बच्चों के पहुंच से ऊपर रखें। बच्चों की आदत है, आपको एक्सपीरियंस होगा कि घर में घूमने की जहाँ आलू पड़े हैं, प्याज पड़े हैं, जहाँ की लहसुन वगैरह पड़ा है वहां जाने की, कि टेबलेट पड़ी है उठा के मुंह में डालने की, उनके दांतों का जमाना होता है, बच्चा हर चीज को खाना चाहता है। उसके अलावा हमने बाओ ने एक और आदत बना ली है कि फीडर तो दे ही रही है, फीडर के साथ मोबाइल फोन भी उनके हाथ में दे दिए ताकि बच्चा खेलता रहे। आपको मैं बताता हूं इसके साइड इफेक्ट के हैं। ये बच्चों का बहंगापन मोबाइल फोन की वजह से है, बच्चों का बहंगापन मोबाइल फोन की वजह से है, यानी कि स्क्वीज आइज, बच्चे का साइड से ये देखना, बच्चा जो है वो साइड से देखता है। और फिर हमने बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, माँ भी फोन पे लगी है, बाप भी फोन पे लगा है, ईमानदारी की बात है, और बच्चा डॉगी से बातें कर रहा है। जब उसको आप भी इग्नोर करेंगे, माँ भी इग्नोर करेगी, उसको समझेंगे नहीं आपकी ये औलाद है या आपकी औलाद ये है। आपका दावा है कि हम बहुत बड़ी अच्छी फैमिली है, बड़े क्वालिफाइड है, तो ये जो बच्चा है ये इग्नोर है। फिर रास्ते चलते चलते माँ बाप फिर फोन पे लगे हैं, जैसे जिंदगी इसी के ऊपर है, वो भी अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहा है, बच्चा इग्नोर हो रहा है, ही इज वीपिंग। ये देखो ये बच्चा रो रहा है कि खुदारा मुझे देती हो लोरियां, मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे, मेरे चार सितारे, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे। उसके बाद बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, और बच्ची बीच में बैठी है ये फिर फोन पे लगे। उनके लिए शादी की थी या इस औलाद के लिए शादी की थी? ना अपना दूध देते हो, ना बच्चों को बकत देते हो। और मोबाइल फोन के क्या इफेक्ट हैं? आंखों की कमजोरी, नजर। और बच्चों को जब आप स्कूल दाखिल कराएं, बजाय कि गोल तकिए पे बैठाएं, सोफे बैठाएं, बच्चों के लिए स्टडी टेबल लेकर आएं, जहां और खर्चे आपको होते हैं, क्योंकि बच्चों की आई साइड का मसला होता है। बच्चे बजाय सामने लिखने के यूं लिखते हैं, या आपको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, डॉक्टर नहीं बताएगा। ये हमारा चैनल है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए, होम सेफ्टी के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये देखें, बच्चों को अपने साथ बैठाएं।
साथ बैठाएं बच्चों को, उनको टाइम दें स्टडी के लिए, जो पढ़ाना है उनको आप पढ़ाएं। जब आपकी सब तवज्जा इसी पे होगी और आपने और क्या काम करना है। दूसरा, घरों के अंदर दरवाजा लॉक रखें, इलेक्ट्रिक लॉक है उसको भी सही करके रखें। दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक के, फैन वगैरह, इनको अपने हटा के रखें। अगर बाकी आगी फायर, अगर खुदा ना खास्ता किसी खातून को घर में आग लग गई है, तो वो बजाय पानी डाले रोल करें जमीन के ऊपर, या मोटा लेके ना कंबल, ऑक्सीजन को स्विच ऑफ कर दे। आवाज जो है फायर है इससे बनती है, फ्यूल मटेरियल और हवा तीन चीजों से बनती है आग। फौरन जमीन पर रोल करें, शोर मचाएं, और अगर घर के अंदर किसी स्विच को आग लगी है, आग की होती है इकसाम होती है तीन, सॉलिड लिक्विड और इलेक्ट्रिक फायर। अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो उसके ऊपर जो फायर की बॉटल मिलती है CTC, वो आप स्प्रे करें। या दुनिया के और काम आते हैं, आपको गाड़ी चलाना आती है, आपको जहाज चलाने आ गया है, तो आप वो भी घर में रख लें, उसको भी ऑपरेट करना सीख लें। और अगर घर में किसी लकड़ी को आग लग गई है, लकड़ी को आग लग गई है, गत्ते को आग लग गई है, तो उसके ऊपर आप पानी डालें, पानी डालें। अगर किसी तेल को, डीजल को आग लग गई है, उस पे ना पानी डालें, फ्यूम और शोले फ्लेम और उठेगा, उसके ऊपर आप रेत डालें और शोर मचाएं और लोगों को इमदाद के लिए आप बुलाएं। ये है फर्स्ट पर्सनल सेफ्टी, होम सेफ्टी, आपके बच्चे की सेफ्टी। खुदारा बच्चों को मोबाइल फोन की आदत ना डालें, कीमती फुलती नोटम वगैरह उनको ना दें, अपनी मनी को सेव करें। ये असासा है आपका, ये आपका असासा है, इसको बचाएं, इन बच्चों को बचाएं, इसको नंगा मत बनाएं। ना नौके का पर रहेगा, ना नेवी के, ना एयरफोर्स के, बारी बारी फीसें आप दे रहे हैं, लेकिन आप उनको फोन की आदतें डाल रहे हैं। ये चैनल आपको इंफॉर्मेशन देता रहेगा, आपकी खैर ख्वाही के लिए, आपकी भलाई के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैं इतना टाइम निकाल रहा हूँ, पेशेंट को छोड़ रहा हूँ, आप अपने चैनल को, अलपुरान चैनल को, राजाओं के चैनल को, पाकिस्तान के, वर्ल्ड के चैनल को, आप जहां भी बैठे हैं उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल कोन का आइटम भी करें, फॉरवर्ड भी करें, और अपनी राय से आप हमें भी आगाह करें कि आपको हमारा चैनल इंफॉर्मेशन TV, इंफॉर्मेशन मेडिकल चैनल अलपुरान, जो पहली बार वर्ल्ड में सिरसर उठाया है पाकिस्तान की तरह, और कन्फर्मेशन हमसे ही दे रहे हैं। हमें और मेरे स्टाफ को, अल मुस्तफा मेडिकल को, आपने दुआ देनी है कि मेरा तमाम मीडिया चैनल के लोग जो मेरी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त इस चैनल के साथ, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, उनके जहनों को अच्छा करे। आप हैरान होंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल, बैरिया कॉलेज और बीकन हाउस स्कूल की तालबात मेरे साथ हैं। माशा अल्लाह वो तालबात हमारे साथ हैं जो आपके चैनल का हिस्सा है। सब दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।